डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद सर्जरी द्वारा तोते की जोड़ी चोंच, तोते को दिया जीवन दान। पंखे में आने से कटी थी तोते की चोंच। अगर किसी पक्षी की चोंच किसी कारणवश घायल हो जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसे खाने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। वहीं ऐसी ही एक घटना खिन्नी गेट निवासी अमन के पालतू तोते के साथ हुई। दरअसल अमन ने अपने घर में एक तोता पाला हुआ है। एक दिन अचानक तोते का पिंजरा किसी कारणवश खुला रह गया और तोता उड़कर कमरे में छत पर लगे हुए चलते हुए पंखे से जा टकराया। वहीं उसकी आधी से ज़्यादा चोंच कट गई और वह घायल हो गया। वहीं अमन ने उस दिन तो घर में ही प्राथमिक उपचार कर उसके पंख पर दवाई लगा दी थी। वहीं तोते का मालिक अमन परेशान था क्योंकि तोता खाना नहीं खा पा रहा था। वहीं अमन ने शहर में कई जगह घायल तोते को दिखाया पर सबने मना कर दिया। जैसे तैसे वो डॉक्टर विराम वाचने की क्लिनिक पर पहुंचे, जहां डॉक्टर विराम वाचने ने कहा कि इसकी सर्जरी करके इसकी चोंच को सही करने की कोशिश की। वहीं सर्जरी के लिए डॉक्टर विराम ने अगले दिन का समय दिया। अमन अगले दिन पूरी तैयारी के साथ क्लिनिक पर पहुंच गए और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चोंच में सर्जरी द्वारा इम्प्लांट लगाकर तोते की चोंच को एकदम सही कर दिया गया। अगले दिन से तोते ने हल्का फुल्का खाना खाना शुरू कर दिया था और 1-2 दिन बाद तोता अपने सामान्य खाना खाने लगा। डॉक्टर विराम ने कहा कि हमें अपने तोतों का सही से ध्यान रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही इस तरह की घटना या ऐसी किसी भी अनहोनी को अंजाम दे सकती है। मालिक हमारे पास आए थे तो उनका ये कहना था कि उनके पिंजरे में से तोता ये कैसे भी छूट गया था और वो घर में पंखा चल रहा था, तो वो जैसे ही ऊपर उड़ा हुआ तो उससे पंखे से टकराया। पंखे से टकराने के बाद उसकी चोंच बिल्कुल कट के नीचे गिर गई थी और पंख भी जख्मी हो गया था उनका। तो इस तरह से वो परेशान हो गए थे, वो मेरे पास लेके आए थे उसे। मेरे पास क्या दिक्कत आ रही थी? मेन दिक्कत उन्हें सबसे ये आ रही थी कि वो जो तोता है अपने आप खाना नहीं खा पा रहा था। तो आपको जैसे पता ही है तोता ये जो चोंच होती है उस तरह का भी काम करता है कि वो अपने फूड को उठाना काटना पीटना सब उसी से चोंच से करता है। तो चोंच जब कट गई थी बिल्कुल, ना तो अपना खाना उठा पा रहा था ना सही से खा पा रहा था। किस तकनीक से इस चोंच को जोड़ा है आपने? जी ऐसा था, उनके पास जो चोंच जो कटी हुई थी वो हमारे पास उसे लेके आए थे, हमने उसको ही फिक्स करने की कोशिश करी। तो उसमें हमने SS का एक इम्प्लांट डालते हुए उसको एकदम ऐसा फिक्स कर दिया है कि तोता जो है अगले दिन से ही अच्छे से खाने खा पी रहा है और 2-3 दिनों के बाद वो बिल्कुल एकदम अच्छे से फिट हो गया। अभी ये है कि खाने पीने में बिल्कुल ओके चल रहा है, इम्प्लांट लगा हुआ है और अभी वो इम्प्लांट लगा रहेगा जब तक वो तोता अपना खाना खा रहा है। देखिए एनेस्थीसिया तो बड़ा मेन रोल यही होता है कि जो पक्षी होता है उसमें 200-250 ग्राम वजन होता है, तो बड़े हिसाब से हमें बारीकी से उसको कैलकुलेटेड डोज ही लगानी पड़ती है ताकि हमारा काम भी हो जाए और पक्षी को भी कुछ होना। जी जी बिल्कुल आराम से खा रहा है और बिल्कुल दुरुस्त है। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।